हेलो बच्चों, आज लाइट को कंटिन्यू करते हैं और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजिशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, एक कन्वर्जिंग लेंस बनाते हैं, यानी कि हमने एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया। ठीक है, इस कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है कितनी? 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बच्चों इसमें F1 C1 F2 C2 को मार्क कर लेते हैं। जो फोकल लेंथ है कितनी? 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो OF2 है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। और साथ में जो OF1 है वो भी कितना है? 10 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कितनी बच्चों? 25 सेंटीमीटर। तो इसे समझना बच्चों, जो OC1 है वो तो कितना होगा? 20 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ का जस्ट डबल। जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो क्या? 25 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर से भी ज्यादा। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पे रखा गया होगा, C1 से भी पीछे। अब क्या करते हैं, रे डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो एक रे ऑब्जेक्ट के टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाते हैं, और वो जो रे है कहां से पास होगी? F2 से। दूसरा ऑब्जेक्ट का टॉप और किसको ज्वाइन करता है? ऑप्टिकल सेंटर को। अब ये दोनों रे जो कहां पे मीट करेंगी वो कहां पे करेंगी? बिटवीन F2 एंड C2। ये पॉइंट F2 था, बिटवीन F2 एंड C2 जहां पे मीट करेंगी वो क्या होगी? इमेज A'B'। ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? ए और बी। और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यानी कि ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों रे डायग्राम समझ गए होंगे। ठीक है, अब हमसे कह रहा फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। देखो बच्चों, ये A'B' इमेज है और जो ये क्या है? इमेज की डिस्टेंस। तो बच्चों ये 10 से तो बड़ी आएगी, क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ से तो बड़ी आनी चाहिए, लेकिन 20 से क्या आएगी? छोटी आएगी। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। मैं लिखता हूं बाय मिरर, सॉरी बाय लेंस फॉर्मूला। मैं लिखता हूं बाय लेंस फॉर्मूला, 1/v - 1/u = 1/f। अब बच्चों कॉन्वेक्स के केस में, ठीक है, जो फोकल लेंथ काउंट करोगे ये वाली काउंट करोगे, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? +10। अब +10 क्यों पुट करा? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से RHS साइड है क्या? F2। और ये वाली जो एक्सिस होती है वो कौन सी होती है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यू की वैल्यू क्या पुट करोगे बच्चों? -25। -25 क्यों पुट करा? क्योंकि ओ से ए LHS साइड है, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस साइड। और जिस चीज को कैलकुलेट करना है वी को, उसको एज इट इज रख दो। समझना, ये माइनस साइन ऐसी रखा, यू की वैल्यू -25 पुट करी और एफ की वैल्यू +10 पुट करी। अब इसके बाद 1/v + 1/25 = 1/10। तो 1/v = 1/10 - 1/25, इतना समझ में आया। एलसीएम लोगे बच्चों कितना आएगा? 50। तो हम क्या लिखेंगे? 5 - 2। ठीक है, न्यूमेटर में क्या आएगा? 5 - 2। तो बच्चों जो 1/v है वो किसके बराबर आएगा? 3/50, यानी कि जो v आएगा बच्चों कितना आएगा? 50/3 सेंटीमीटर। अब देखना बच्चों, इसको जब कैलकुलेट करोगे ये कितना आएगा? 16 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर। कितना आएगा? 16 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर। अब देखना बच्चों, 16 पॉइंट 10 से तो बड़ा होता है और 20 से छोटा भी होता है, तो यानी कि हमारा आंसर पूरा का पूरा सही आ रहा है। और साथ में जो v आ रहा है उसका जो साइन आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, आना भी पॉजिटिव चाहिए था। क्यों? क्योंकि
क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज बन रही है वो कहां को बन रही है, राइट हैंड साइड बन रही है, कहां को बन रही है, राइट हैंड साइड बन रही है, समझ में आया। और राइट हैंड साइड एक्स एक्सिस कौन सी होती है, पॉजिटिव, तो आंसर भी हमारा क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव आना चाहिए था। अब हमसे क्या कह रखा बच्चों, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, एक बात आना इसका नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, तो इसका मैग्निफिकेशन क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो मैं कैलकुलेट करता हूं इसका मैग्निफिकेशन, उसके लिए मैं लिखता हूं बाई मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, बाई मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एम इक्वल टू एच आई ओवर एच ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, सॉरी ये लेंस है, इस वजह से क्या आएगा, प्लस वी अपॉन यू। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एम इक्वल टू एच आई ओवर एच ओ इक्वल टू वी अपॉन यू। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, पहले और तीसरे को कंपेयर करेंगे, यानी कि एम इक्वल टू वी अपॉन यू को कंपेयर करेंगे। V की जो वैल्यू आई कितनी आई बच्चों, 50/3, साइन कन्वेंशन के साथ कितनी है, प्लस 50/3, तो V की वैल्यू प्लस 50/3। U की वैल्यू कितनी है, 25, लेकिन क्या पुट करेंगे, माइनस 25, तो इस वजह से कितना आएगा, माइनस 25। माइनस क्यों पुट कर रहे हैं, बार बार बोल रहा हूं, ये ओरिजन यानी ऑप्टिकल सेंटर से LHS साइड है, नेगेटिव एक्स एक्सिस साइड है, इस वजह से माइनस 25। तो बच्चों इक्वल टू सॉल्व करते हैं, 50/3 इंटू माइनस 25, यानी कि जो मैग्निफिकेशन आएगा कितना आएगा, माइनस 2/3। अब जो मैग्निफिकेशन है किससे छोटा आ रहा है बच्चों, जीरो से छोटा आ रहा है, इस वजह से जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। तुमने अभी पढ़ा, तुमने अभी यहां पे देखा भी, जो इमेज बन रही है वो फाइनल क्या बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब क्या करेंगे बच्चों, सीधे सीधे हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे, हमसे साइज ऑफ इमेज ही पूछा गया। तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है क्या, एच आई ओवर एच ओ। अब मैग्निफिकेशन कितना है, माइनस 2/3, एच आई को ऐसे ही पुट करो, ये जो एच ओ है वो क्या है बच्चों, ए बी, और ए बी कहां की तरफ है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, यानी कि ये जो 5 सेंटीमीटर है इसको क्या पुट करोगे, प्लस 5। तो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आएगी बच्चों ये क्या आएगी, प्लस 5। प्लस 5 क्यों पुट करी, समझ गए ना, ये यहां से ऊपर को है, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस साइड है, ठीक है, एच ओ इस वजह से क्या है, प्लस 5। तो जो एच आई की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, माइनस 2/3 इंटू 5, और कितनी है, माइनस 10/3 सेंटीमीटर, यानी कि माइनस 3.33 सेंटीमीटर। अब देखना बच्चों, जो हाइट ऑफ इमेज है उसका आगे कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है। ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या होगा बच्चों, जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस से कहां को बन रही होगी, नीचे को बन रही होगी, नेगेटिव वाई एक्सिस साइड बन रही होगी, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 3.33। मैग्नीट्यूड क्या है, सिर्फ 3.33, वो 5 सेंटीमीटर से क्या है, छोटा है, यानी कि जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। इतना समझ में आया, तो बच्चों इसे जल्दी से नोट कर लो। एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम। ठीक है, तो देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन है किसका, कॉनकेव लेंस का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस बनाते हैं। हमने ये क्या बनाया, एक कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये क्या बनाया, उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे ऑप्टिकल सेंटर ओ, यहां पे फोकस बनेगा एफ टू,
बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, इधर साइड फोकस बनेगा F1, बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। अब हमसे क्या कह रहा है, इसकी जो फोकल लेंथ है कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये जो फोकल लेंथ है कितनी है बच्चों, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्रॉम द एनीवेयर 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है, यानी कि इसकी जो इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर, कहीं यहां कहीं पे बन रही होगी 15 सेंटीमीटर से पहले, और हमसे क्या कह रहा है, ड्रॉ द रे डायग्राम। अब ध्यान दो बच्चों, कॉनकेव लेंस में दो केस है, एक बार ऑब्जेक्ट कहां पे, इन्फिनिटी पे, एक बार ऑब्जेक्ट कहां पे, फाइनाइट डिस्टेंस पे। अगर हम पहला केस लेते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट कहां पे था, इन्फिनिटी पे, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे लेते हैं तो जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी, यानी कि F2 पे बनेगी। अब यहां पे जो इमेज है वो F2 पे तो बन नहीं रही है, F2 से इधर बन रही है, तो यानी कि इसमें ऑटोमेटिकली जो आंसर आएगा कौन सा आएगा, सेकंड केस आएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस। तो बच्चों ऑब्जेक्ट एक फाइनाइट डिस्टेंस पे ले लेते हैं, मान लो मैंने ये लिया ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है। रे डायग्राम कंप्लीट करेंगे तो सबसे पहले बच्चों एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे ऑब्जेक्ट के टॉप से, और यहां से ये रे क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी, ठीक है, और हमें लगेगा ये जो रे है कहां से पास कर रही है, F2 से कर रही है। दूसरी रे बच्चों ऑब्जेक्ट के टॉप ऑफ किसको ज्वाइन करेंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर को, तो यहां पर को जहां पे दोनों रे क्या करी, इंटरसेक्ट करी, ये क्या बन जाएगी, इमेज ए डैश बी डैश। इतना समझ में आया। अब हमसे कह रहा है ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस निकालो, यानी कि यू कैलकुलेट करो, बस इतना ही पूछा है। तो सीधे सीधे बच्चों हम क्या लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला, तो मैं लिखता हूं बाय लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v - 1/u = 1/f, एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे विद साइन कन्वेंशन। देखना बच्चों सबसे पहले पुट करते हैं ये फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर से LHS साइड है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है, इधर को है, और ओरिजिन से इधर की सारी चीजें क्या होती है, नेगेटिव। तो इस वजह से मैं फोकल लेंथ को क्या पुट करूंगा, -15, ठीक है, -1/u को ऐसे ही लिखते हैं। अब बात करेंगे v की, देखो बच्चों जो इमेज बन रही है वो भी ऑप्टिकल सेंटर से इधर साइड बन रही है, LHS साइड बन रही है, यानी कि जब डिस्टेंस मेजर की जाएगी ये 10 सेंटीमीटर, वो ओरिजिन से इधर को की जा रही है, LHS साइड, ठीक है। इस वजह से बच्चों v को भी क्या पुट करेंगे, -10। अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे बच्चों, -1/10 + 1/15 = 1/u। अब सॉल्व करेंगे तो बच्चों 1/u = 2, एलसीएम के लिया जाएगा बच्चों 10 और 15 का 30, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो इस वजह से -3 को भी, -1 को भी 3 से, प्लस 15 को बच्चों 2 से करेंगे तो 1 को भी 2 से, तो क्या आएगा 1/u = -3 + 2/30। इसका मतलब बच्चों 1/u की वैल्यू कितनी आएगी, -1/30, या फिर u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -30 सेंटीमीटर। अब देखना बच्चों हमारी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है, -30 आ रही है। माइनस का मतलब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से इधर साइड को रखा गया होगा, माइनस का मतलब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से इधर साइड, नेगेटिव एक्स एक्सिस साइड, और 30 आ रहा है, 30 आ रहा है, इसका मतलब इस 15 का जस्ट डबल आ रहा है, इस 15 का जस्ट डबल आ रहा है, 15 क्या फोकल लेंथ। तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो बच्चों ये जो ए पॉइंट होगा यही क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना समझ में आया। अब बच्चों इस क्वेश्चन को नोट कर लो,
अब बच्चों अगला सवाल करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। बच्चों ये सेंटीमीटर होगा ठीक है। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फाइंड द पोजिशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले बच्चों कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं ठीक है। तो हमने क्या करा, ये कॉन्वेक्स मिरर बनाया, ये बनाइए प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट P, यहां पे एक पॉइंट फोकस लिया और यहां पे एक पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया। इसकी जो फोकल लेंथ है कितनी बच्चों 15 सेंटीमीटर, यानी कि P से लेके F तक की डिस्टेंस कितनी है 15 सेंटीमीटर। और बच्चों जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो कहां पे रखा गया है 10 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट बच्चों इधर साइड रखा जाएगा और ये जो ऑब्जेक्ट होगा ए बी कितनी दूर रखा गया है 10 सेंटीमीटर पे। सबसे पहले बच्चों रे डायग्राम को कंप्लीट करते हैं ठीक है। एक रे ऑब्जेक्ट के टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाते हैं ठीक है। ये रे डाइवर्ज कर जाएगी और हमें लगेगा ये रे कहां से पास हो रही है, फोकस एफ से। दूसरी रे ऑब्जेक्ट के टॉप और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करेगी, ये जैसी जाएगी वैसी वापस आएगी और आगे को सीधे को एक्सटेंड करेंगे तो ये सी से पास होगी और बिटवीन पी एंड एफ पहली वाली रे और दूसरी वाली रे जो आगे को एक्सटेंड कर रखी है ये यहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, यहां पे इमेज बनाएगी ए डैश बी डैश। इतना समझ में आया। अब बच्चों हमसे क्या कह रहा, फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ इमेज। देखो बच्चों जो बच्चा सीधे सीधे डायग्राम बना लेगा, रे डायग्राम पहले ही बना लेगा, आंसर तो वो पहले ही पता कर चुका है। कैसे देखना बच्चों, ये जो इमेज है वो क्या ए डैश बी डैश और जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या पी ए डैश। इमेज डिस्टेंस क्या पी ए डैश, फोकल लेंथ से छोटी है, फोकल लेंथ से छोटी है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर थी और इमेज फोकस से पहले बन रही है, यानी कि जो इमेज डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, फोकल लेंथ से छोटी होगी ठीक है। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो फोकल लेंथ से छोटा आना चाहिए। अब इसे सॉल्व करते हैं तो मैं लिखता हूं बाय मिरर फॉर्मूला। वो क्या होगा बच्चों, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ। अब एक एक करके वी यू एफ की वैल्यू पुट करते हैं साइन कन्वेंशन के साथ। सबसे पहले जब फोकल लेंथ पुट करेंगे बच्चों, फोकल लेंथ क्या 15 सेंटीमीटर, ये पोल को क्या ले लो ओरिजन, ओरिजन से यहां की सारी चीजें क्या होंगी पॉजिटिव, यानी कि ये जो फोकल लेंथ होगी वो भी क्या होगी पॉजिटिव। इस वजह से फोकल लेंथ क्या पुट करेंगे प्लस 15। बच्चों यू की वैल्यू कितनी की वन है 10 सेंटीमीटर। देखो पी से लेके ए क्या है बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इधर की सारी चीजें क्या लोगे नेगेटिव, इस वजह से यू की वैल्यू क्या पुट करेंगे माइनस 10 और ये क्या पुट करेंगे वन अपॉन वी। वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसको एज इट इज पुट करो। तो देखो बच्चों 1 upon v equals to 1 upon 15 plus 1 upon 10, LCM लेंगे कितना आएगा बच्चों 30 और ऊपर का लिखेंगे 2 plus 3 यानी कि बच्चों 5 upon 30। तो जो 1 upon v आ रहा वो कितना आ रहा 5 upon 30, इसका मतलब जो v आएगा वो कितना आएगा बच्चों 30 upon 5 यानी कि 6 सेंटीमीटर। हमारी जो इमेज डिस्टेंस आई वो कितनी आई 6 सेंटीमीटर या फिर ऐसा कह सकते हैं प्लस 6 सेंटीमीटर। प्लस साइन का मतलब क्या होगा, जो इमेज है वो पोल से राइट हैंड साइड बन रही है ठीक है और 6 आ रही है। देखो बच्चों ये फोकल लेंथ से क्या आ रही है छोटी, तो हमारा आंसर क्या है सही है। अब हमसे क्या कह रहा बच्चों नेचर ऑफ इमेज, सबको पता है इसका जो नेचर है क्या वर्चुअल एंड इरेक्ट ठीक है। तो उसको प्रूफ करके भी दिखा देते हैं और प्रूफ किससे होगा मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से। तो मैं लिखता हूं बाय मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बच्चों एम इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। माइनस साइन को तो ऐसे ही रखो बच्चों, वी की जो वैल्यू है वो कितनी है प्लस 6, वी की वैल्यू कितनी है प्लस 6, तो वी की वैल्यू बच्चों प्लस 6 पुट करो और जो यू है वो कितना बच्चों
-10, इससे से u की वैल्यू क्या पुट करो, -10। देखो ये माइनस तो ऐसी रखा, v क्या थी +6 साइन कन्वेंशन के साथ, तो क्या पुट करी +6। u क्या था -10 साइन कन्वेंशन के साथ, तो क्या पुट करा -10। अब बच्चों एक माइनस कैंसल और आंसर क्या आएगा 6/10, यानी कि मैग्निफिकेशन क्या है 0.6। तो यानी कि बच्चों जो मैग्निफिकेशन है वो जीरो से तो बड़ा है। अब जीरो से बड़ा है तो इसका मतलब जो इसका नेचर होगा वो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब मैग्निफिकेशन +1 से छोटा है तो यानी कि जो साइज ऑफ इमेज होगी वो लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, साइज ऑफ इमेज इज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बच्चों क्वेश्चन समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। अब बच्चों अगला सवाल करते हैं। सवाल क्या है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। तो देखना बच्चों जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है कितना, +1। मैग्निफिकेशन कितना गिवन है, +1। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, एच आई ओवर एच ओ, और साथ में -V/U मिरर के लिए, ठीक है। अब देखना बच्चों अगर +1 है यानी कि एच आई ओवर एच ओ भी किसके बराबर होगा, +1 के, साथ में -V/U भी किसके बराबर होगा, +1 के। इसका मतलब एच आई किसके बराबर होगा बच्चों, एच ओ के, और -V किसके बराबर होगा, यू के। तो यहां से हम तीन पॉइंट या तीन कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सबसे पहला तो क्या निकालेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, क्यों, क्योंकि मैग्निफिकेशन कितना है, +1। दूसरा हाइट ऑफ इमेज किसके बराबर होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। जो दूसरा कंक्लूजन निकलेगा क्या निकलेगा, हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो तीसरा कंक्लूजन निकलेगा वो क्या निकलेगा, जो इमेज डिस्टेंस है, ठीक है, इमेज डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा वही किसके बराबर होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के। मैं लिखता हूं इमेज डिस्टेंस का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड से मेरा मतलब है साइन कन्वेंशन मत लेना, प्लस माइनस साइन मत कंसीडर करना, ठीक है। अगर -5 है तब भी उसको क्या लेना, 5, और +5 है तब भी क्या लेना, 5। तो इस वजह से मैंने यहां पर को दो ये डंडे ले लिए जिसको क्या बोलता है, मॉड्यूलस फंक्शन। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बच्चों एक कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं, ठीक है। हमने क्या करा, एक कॉन्वेक्स मिरर बनाया, ये क्या खींची, एक प्रिंसिपल एक्सिस। अब वो क्या करा, इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कितनी, 30 सेंटीमीटर। तो अगर ये पॉइंट सी है और रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो कितनी होगी बच्चों, 15 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कहां पे है, 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट होगा और ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा गया होगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पे पॉइंट पी या फिर पोल पॉइंट बना लेना। अब बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, रे डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। रे डायग्राम कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट के टॉप से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजूंगा, ठीक है, और ये रे कहां से पास हो जाएगी, ऊपर को डाइवर्स हो जाएगी, और पीछे को एक्सटेंड करूंगा तो कहां से पास होगी, फोकस से। दूसरा ऑब्जेक्ट का टॉप और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा, टकरा के ये सीधे बाउंस बैक हो जाएगी, और आगे को एक्सटेंड करूंगा
तो ये पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और ये दो डॉटेड रे कहां पे मीट कर रही होंगी, बिटवीन पी एंड एफ। ये इमेज होगी ए डैश बी डैश, और यहां पे ऑब्जेक्ट होगा ए बी। हमसे अगर आप पोजिशन ऑफ इमेज निकालो, पोजिशन ऑफ इमेज निकालो, नेचर निकालो, साथ में साइज निकालो। पोजिशन देखो बच्चों किससे छोटी आएगी, 15 सेंटीमीटर से छोटी आएगी, क्योंकि फोकस से पहले ही क्या बन जा रही इमेज, और फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो यानी कि जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो 15 से क्या आएगी, कम आएगी। हमसे कह रहा उसका नेचर बताओ, नेचर क्या आएगा बच्चों से जब वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज बताओ। देखो बच्चों ये जो इमेज है ऑब्जेक्ट से क्या बन रही है, छोटी बन रही है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज हमारा 5 सेंटीमीटर था, तो इमेज का साइज 5 सेंटीमीटर से भी क्या आएगा, छोटा आएगा। एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले निकालते हैं इमेज डिस्टेंस, तो उसके लिखता हूं मैं बाय मिरर फॉर्मूला। इमेज डिस्टेंस के लिए क्या लिखूंगा, बाय मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। अब देखना बच्चों जो फोकल लेंथ हो कितनी, 15, फोकल लेंथ 15 तो पुट करेंगे, साथ में प्लस 15 पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि पी को क्या लेके चलोगे, ओरिजिन, पी को क्या लेके चलोगे, ओरिजिन, और जो फोकल लेंथ है ओरिजिन या फिर पोल से आरएचएस साइड है, और वहां को क्या होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस वजह से फोकल लेंथ पॉजिटिव। अब यू की जो वैल्यू है वो क्या पुट करोगे बच्चों, नेगेटिव, यानी कि +1/-20, नेगेटिव क्यों, क्योंकि ये पोल से एलएचएस साइट है, और एलएचएस क्या होती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। वी की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, तो वी को एज इट इज रख देते हैं। अब देखना बच्चों 1/v = 1/15 + 1/20, इसको मैं यहां से आरएचएस साइड लेकर गया। अब यहां पे क्या लूंगा बच्चों, एलसीएम 60, 15 को क्या रखना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई, 20 को करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, यानी कितना आएगा 7/60, यानी कि जो v की वैल्यू आएगी कितनी आएगी बच्चों, 60/7 सेंटीमीटर, या फिर इसे 8. समथिंग सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे पॉइंट के आगे कैलकुलेशन खुद से कर लेना, इतना समझ में आया। अब देखो बच्चों हमारी जो इमेज डिस्टेंस आई वो 8. समथिंग आई, और वो 15 से कम आ रही है, 15 से कम आ रही है, इतना समझ में आया, तो हमारा आंसर क्या है, सही है। अब इसके बाद हमसे क्या करा, नेचर ऑफ इमेज निकालो। नेचर ऑफ इमेज क्या बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो उसके लिए मैग्निफिकेशन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। मैं मैग्निफिकेशन निकालता हूं, उसके लिए मैं लिखता हूं पहले बाय मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, m = hi/ho = -v/u। सबसे पहले बच्चों m और -v/u को कंपेयर करो, यानी कि m = -v/u, माइनस साइन ऐसी रखो। जो v है वो कितना है बच्चों, 60/7, तो v की वैल्यू क्या पुट करो, 60/7, और जो u है उसकी वैल्यू कितनी है, -20, तो क्या आएगा -60/7 × -20, यानी कि बच्चों जो m की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3/7, इतना समझ में आया। अब देखो बच्चों जो मैग्निफिकेशन है वो ग्रेटर देन जीरो तो आया, ठीक है, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन जीरो तो आया, यानी कि जो मैग्निफिकेशन का ग्रेटर देन जीरो है तो जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इतना समझ में आया। अब हमें हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए मैं इन दो फॉर्मुलों को आपस में कंपेयर करता हूं, यानी कि m = hi/ho, ठीक है। अब देखना बच्चों मैग्निफिकेशन कितना, 3/7, hi वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। अब ho की वैल्यू भी साइन कन्वेंशन के साथ पुट करेंगे। देखना बच्चों ho मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो क्या है, ab, और जो ab है वो ऊपर को है, यानी कि पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ है, समझ में आया। तो जो ho है उसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, +5 सेंटीमीटर,
इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, प्लस 5, इतना समझ में आया। अब देखना बच्चों, ये जो मैग्निफिकेशन है 3/7 है, यानी कि ये पॉइंट में आएगा, तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से क्या आनी चाहिए, छोटी। डायग्राम को देखते भी क्या लग रहा है कि जो हाइट ऑफ इमेज होगी ऑब्जेक्ट से क्या होगी, छोटी होगी। तो बच्चों हम सीधे एच आई कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15/7, यानी कि बच्चों ये 2 point something सेंटीमीटर आएगा, नहीं आएगा, पॉइंट के आगे की कैलकुलेशन खुद से कर लेना, समझ में आया। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, 5, इमेज कितनी आई, 2 point something, सातवां हाइट ऑफ इमेज का जो साइन आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर हाइट ऑफ इमेज का साइन पॉजिटिव आ रहा है तो यानी कि जो इमेज बन रही होगी वो भी प्रिंसिपल एक्सिस से कहां को बन रही होगी, ऊपर को, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। अब बच्चों इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो, अब बच्चों अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 centimeter इज प्लेस्ड एट 27 centimeter इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 centimeter। तो कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है कितनी गिवन है, 18 centimeter, ठीक है, फोकल लेंथ कितनी गिवन है, 18 centimeter, और किसकी, कॉनकेव मिरर की। तो क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले कॉनकेव मिरर बनाते हैं, हमने कॉनकेव मिरर बनाया, बीच में इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, यहां पे पोल मार्क करा, फिर फोकस मार्क करा, और बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क करा। फोकल लेंथ कितनी की बने, 18 centimeter, यानी कि बच्चों जो एफपी आएगी ये कितनी आएगी, 18 centimeter, और जो सीपी आएगी ये कितनी आएगी, 36 centimeter, ठीक है। एफपी क्या, फोकल लेंथ 18, तो सीपी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी आएगी, 36। अब इसके बाद हमसे क्या कह रहा है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितनी है, 27 centimeter, यानी कि 18 के बाद रखेंगे और 36 से पहले रखेंगे। इस वजह से ऑब्जेक्ट को रखता हूं मैं ए बी, ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे, 27 centimeter पे, ठीक है, 18 से बड़ी और 36 से छोटी। अब क्या करते हैं, सबसे पहले रे डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। रे डायग्राम कंप्लीट करने के लिए एक रे सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजी जाएगी, और रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास हो जाएगी, फोकस से। दूसरी रे सीधी भेजी जाएगी ऑब्जेक्ट के टॉप से, और ये सीधे बाउंस बैक होते हुए कहां से पास कर रही होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये दो रे जहां पर को मीट करेंगे यही क्या होगी, इमेज, जिसको क्या बोला जाएगा, ए डैश बी डैश। इतना समझ में आया। अब बच्चों हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे, बाय मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। देखो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो कितनी, 27, तो u की वैल्यू 27 तो पुट करेंगे, लेकिन क्या पुट करेंगे, -27, क्यों, क्योंकि p पॉइंट को हम ओरिजिन लेंगे, और ओरिजिन से एलएचएस साइड सारी चीजें क्या होती है, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, इक्वल टू ऐसी लिखो 1/f की वैल्यू क्या पुट करो, -18। रीजन फिर से वही, पी क्या होगा, ओरिजिन, और ओरिजिन से इधर की चीजें सारी क्या होंगी, नेगेटिव, तो इस वजह से क्या पुट करा, -18, ठीक है। फोकल लेंथ क्या पुट करेंगे, नेगेटिव। अब वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसको अभी 1/v रखते हैं। अब देखते ही पता लग रहा जो v है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी कहां को है, पीछे को है, ठीक है, जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहां को है, पीछे को है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर से भी पीछे को है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 36 से ही बड़ा आएगा, मैग्नीट्यूड उसका 36 से भी बड़ा आएगा। देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो बच्चों 1/v को तो ऐसे लिखो, -1/18 भी ऐसी लिखो, ये जो -1/27 है उधर जाके कितना आ जाएगा, +1/27, एलसीएम कितना आएगा इसका, 54, 18 को बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 को भी 3 से, इस वजह से -3, 27 को 2 को तो 1 को भी 2 से, यानी कि +2, यहां पे क्या करा, सीधे सीधे एलसीएम लिया,
तो इसकी जो वैल्यू आई कितनी आई बच्चों, -1/54, यानी कि 1/v कितना आ रहा बच्चों, -1/54, यानी कि जो v की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, -54 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? अब ध्यान से देखना बच्चों, जो इमेज डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 54 सेंटीमीटर, वो 36 से भी क्या है, बड़ा है। तो यानी कि हमारा आंसर सही है। अब आगे से 54 के कौन सा साइन है, नेगेटिव, यानी कि पोल से जो इमेज बन रही होगी वो कहां बन रही होगी, एलएचएस साइड, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस साइड। अब बन भी कहां को रही है, एलएचएस साइड ही बन रही है। तो यानी कि हमारा आंसर क्या है, पूरा का पूरा सही। और हमसे क्या कह रहा, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, ये बात आना, इसका जो साइज आएगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा आएगा, ठीक है, केस तुमको पूरा का पूरा याद होगा। और नेचर क्या आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यानी कि इसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आना चाहिए, क्यों, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड। समझाता हूं अच्छे से, समझ रहा हूं। हम लिखते हैं बाय एंगल मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मिरर के लिए मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एम इक्वल टू एच आई ओवर एच ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। सबसे पहले बच्चों एम इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू को लेके चलो, माइनस साइन तो ऐसे रखो। वी कितना आया था बच्चों, -54। वी को साइन कन्वेंशन के साथ पुट करना, तो क्या पुट करा, -54। ये जो माइनस साइन है ये फॉर्मूले का माइनस है, और वी की वैल्यू -54, यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, 27। और यहां पे जो u की वैल्यू पुट की जाएगी साइन कन्वेंशन के साथ, कितनी पुट की जाएगी, -27। तीन माइनस है, दो तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक माइनस बच जाएगा, ठीक है। 54 को 27 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो m की जो वैल्यू आई कितनी है बच्चों, -2। ये जो मैग्निफिकेशन है वो लेस देन 0 आ रहा है, तो यानी कि जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड। इतना समझ में आया? मैग्निफिकेशन का जो मैग्निट्यूड है सिर्फ और सिर्फ 2, वो क्या बच्चों, 1 से बड़ा है, यानी कि जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट से भी क्या आएगा, बड़ा आएगा। समझाता हूं सीधे सीधे बच्चों, मैग्निफिकेशन का सेकंड फॉर्मूला लिखो, वो क्या आएगा, एच आई ओवर एच ओ। मैग्निफिकेशन कितना है, -2। एच आई को ऐसी रखो, अब जो एच ओ है वो कितना था बच्चों, 7 सेंटीमीटर, और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी है वो ऊपर को है, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इस वजह से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या पुट की जाएगी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो एच आई आएगा वो कितना आएगा, -2 × 7, यानी कि बच्चों -14 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितनी आई बच्चों, -14 सेंटीमीटर। ये जो माइनस साइन है वो इस वजह से आ रहा है, जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, देखो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे को बन रही है, इस वजह से साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस है नीचे को। समझ में आया, ये जो ए डैश बी डैश है ये इमेज है और ये कहां को बन रही है, नीचे को, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस को, इस वजह से हाइट ऑफ इमेज क्या आई हमारी, नेगेटिव आई। लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना, 14 है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या, 14, वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड से बड़ा है। समझ में आया, ऑब्जेक्ट था 7 सेंटीमीटर का और इमेज कितने की बन रही है, 14 सेंटीमीटर की, बस साइन क्या उसका, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि वो नीचे को बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे को। तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। सीधे सीधे फॉर्मूला लिखो बच्चों किसका, फोकल लेंथ का, सॉरी पावर का, पावर का फॉर्मूला क्या होगा, 1/फोकल लेंथ, पावर की वैल्यू कितनी की बने, -2, तो -2 = 1/f और f = -1/2, तो -0.5 मीटर। जो फोकल लेंथ आएगी बच्चों कितनी आएगी, -0.5 मीटर। अब देखना बच्चों, फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, इस वजह से
ये जो लेंस होगा क्या होगा, डाइवर्जिंग होगा, क्या होगा, डाइवर्जिंग लेंस। और डाइवर्जिंग लेंस हमारे सिलेबस में कौन सा होंगे, कॉनकेव लेंस। इतना समझ में आया, नोट कर लो। अब अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अ डॉक्टर है प्रिस्क्राइब द करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5D, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज द प्रिस्क्राइब लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, पावर का फॉर्मूला लिखेंगे और वो किसके बराबर होता है, 1/f। अब पावर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1.5, तो पावर की वैल्यू 1.5 पुट कर दी प्लस, और वो किसके बराबर होगा, 1/f। आई को सॉल्व करेंगे तो एफ इक्वल टू बच्चों 1/1.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ऊपर इसको नीचे, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0, तो इस वजह से 10/15, और 5 से काटेंगे तो 2/3। तो जो फोकल लेंथ आएगी बच्चों कितनी आएगी, 2/3 मीटर या फिर 0.66 मीटर। ठीक है, ये कंटिन्यू आएगा, चलते रहेगा। ठीक है, 2/3 को जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0.6666 समथिंग मीटर, राउंड ऑफ करोगे तो बच्चों कितना आएगा, 0.67 मीटर। अब हमसे कह रहा ये लेंस कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। देखो जो फोकल लेंथ है वो क्या, पॉजिटिव है। फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि पावर भी क्या थी, पॉजिटिव। पावर पॉजिटिव, इस वजह से फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। तो यानी कि ये जो लेंस होगा बच्चों क्या होगा, कन्वर्जिंग, जिसको क्या बोला जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कन्वर्जिंग कौन से होंगे, कॉन्वेक्स लेंस। इतना समझ में आया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।